छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। कुनकुरी सीट विधायक हैं विष्णुदेव साय, आदिवासी समुदाय से आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 1999 से 2019 तक रायगढ़ के सांसद भी वो रहे हैं। ये राजनीतिक बैकग्राउंड हम आपको उनका बता रहे हैं। और अब ये नया ऐलान हुआ है सीएम होने का। देखिए, बहुत समय से इसको लेकर पेच फंसा हुआ था कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का सीएम। आखिरकार इसकी घोषणा हो गई है, छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम सामने आ चुका है। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। बड़ी खबर सामने आ रही है, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ है विष्णुदेव साय को लेकर। कुनकुरी सीट से विधायक हैं विष्णुदेव साय, आदिवासी समुदाय से आते हैं साय, और उनको अब मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। 1999 से 2019 तक रायगढ़ से सांसद रहे हैं और अब जाकर उनको सीएम पद के लिए घोषित कर दिया है। तीनों राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद लगातार सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ था, छत्तीसगढ़ को लेकर लग रहा था। देखिए, इससे पता चलता है कि किसी भी पुराने चेहरे पर वहां पर दाव नहीं खेला है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का एक बार को लग रहा था शायद उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति रही है, विष्णुदेव साय का नाम एकदम अलग से झाड़ते हुए लाकर, हालांकि विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। और ये जो नाम आया है, अब कुनकुरी सीट से वो विधायक भी हैं, अब से पहले रायगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं। 1999 से 2019 तक रायगढ़ से सांसद रह चुके हैं और अब सीएम पद के लिए उनकी घोषणा हो चुकी है। यानी देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये विष्णुदेव साय हैं जो कि अब नए मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। इनके नाम का ऐलान हो चुका है, विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के अब नए मुख्यमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो चुकी है। लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा था और नेताओं के दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी था। रकमन के साथ में बैठकें चल रही थी और अब जाकर फैसला हुआ है विधायक दल की बैठक में ये फैसला कि विष्णुदेव साय होंगे नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। और विष्णुदेव साय की माताजी का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। और अभी फिर बनने जा रहा है, अभी तो फाइनल भी नहीं है। हाँ जी, करेगा, उसका स्वभाव स्वभाव वैसे ही है, उसका व्यवहार अच्छा है, नहीं गुस्साते हैं, वो थोड़ा मोड़ा तो होता है ना। हम लोग तो विष्णुदेव साय बेटा पुकारते हैं, बेटा बोल के बाबू बाबू गाँव में तो बाबू बेटा सही करते हैं, अभी भी करते हैं, खेत तरफ जाते हैं घूमने, देखते दिखता तकता सब कुछ करता है, सबका ख्याल रखता है, वही खेती बाड़ी देख रेख सबका करता था। मैं तो चाहती हूँ कि देश का सेवा करे, जनता का सेवा करे, धर्म का भी करे, सबको एक समान करे, सबका दुख सुख सबको सुने, सबका सहायता करे। मुख्यमंत्री के रूप में पाएंगे बनेगा तो भैया स्कूल में पढ़ा पांचवी, और पांचवी पास करके वो कुनकुरी लोयला में गए। लोयला में पढ़कर उसका मामा थे, वो ले गए अंबिकापुर पढ़ाने के लिए कॉलेज। तो इधर देखभाल करने वाले कोई नहीं थे घर में, इसीलिए हम लोग छोड़ा दी। बाबू यहाँ घर संभालता था, उसके बाद पंच बना, सरपंच बना, दो बार ये विधायक बना, और तीन बार प्रदेश अध्यक्ष, और चार बार सांसद बना, और एक बार मंत्री, और अभी फिर बनने जा रहा है, अभी तो फाइनल भी नहीं है। हाँ जी, करेगा, उसका स्वभाव स्वभाव वैसे ही है, उसका व्यवहार अच्छा है, नहीं गुस्साते हैं, वो थोड़ा मोड़ा तो होता है ना। हम लोग तो विष्णुदेव साय बेटे पुकारते हैं, बेटा बोल के बाबू बाबू गाँव में तो बाबू बेटा सही करते हैं, अभी भी करते हैं, खेत तरफ जाते हैं घूमने, देखते दिखता तकता सब कुछ करता है, सबका ख्याल रखता है, वही खेती बाड़ी देख रेख सबका करता था।
मैं तो चाहती हूँ कि देश का सेवा करे, जनता का सेवा करे, धर्म का भी करे, सबको एक समान करे, सबका दुख सुख सबको सुने, सबका सहायता करे। मुख्यमंत्री के रूप में पाएंगे, बनेगा तो भैया स्कूल में पढ़ा 5वीं, और 5वीं पास करके वो फुलपुरी लोयला में गए। लोयला में पढ़ कर उसका मामा थे, वो ले गए अम्बिका। अनिल नेताम संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अनिल, नया नाम सामने आ चुका है, विष्णुदेव साय का नए मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में एक जिस तरह से मिशन चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, जिस तरह लंबे चर्चाएं की जा रही थी और अंततः 7 दिनों बाद जो कयास लगाए जा रहे थे वो उस पर विराम लग गई और फाइनल में बात विष्णुदेव साय जी का नाम सामने आया, जहां पर विधायक दल के नेता जो है विष्णुदेव साय को चुने गए, जो कि पहले भी बीजेपी में कई बड़े जिम्मेदारी निभाए हुए, लगातार प्रदेश अध्यक्ष के पद में भी रहे कार्य किए और लगातार वो बीजेपी के लिए काम करते आए हैं, जैसे कि लंबे टाइम से अनुभवी नेता है और जिस तरह से आदिवासी समाज से भी रहते हैं तो आदिवासी समाज भी इस तरह से लगातार मांग उठ रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो, आदिवासी मुख्यमंत्री हो, तो फाइनल रूप से अब ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा ने आदिवासी वर्ग को भी इससे एक साफ जाहिर है कि समझने की कोशिश किया, क्योंकि लगातार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं तो आदिवासियों को विकास की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा बात में कहा कि आज जो है देश का राष्ट्रपति जो है एक आदिवासी महिला को जो है बनाया गया है, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में देखें तो पहली बार ये होगा कि एक आदिवासी को जो है मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी दिया गया है, और एक बड़ा फैसला यहाँ पर भाजपा की तरफ से सामने आई है, जो कि अभी विधानसभा चुनाव में 54 सीटों का जो है भाजपा को पूर्ण बहुमत छत्तीसगढ़ में मिली है, और आज विष्णुदेव साय जी का नाम फाइनल होना कहीं ना कहीं ये लगातार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाजपा से, क्योंकि बड़े बड़े चेहरों का नाम यहाँ पर आगे चल रहा था, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हो या फिर विष्णुदेव साय जी का नाम तो चल ही रहा था, और अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य किया और लगा और एक प्रचंड बहुमत आज जो है बीजेपी को मिला, तो ओपी चौधरी का नाम भी इस सीएम की रेस में चल रहा था, तो लगातार जो है बड़े दिग्गज नेता जो है भाजपा के उनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर जो है मुहर लगती हुई नजर आई यहाँ पर, और विष्णुदेव साय को जो है अब प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया है। जी काजल, अनिल, अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ को लेकर अब से पहले भी कई नाम चले हैं, डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी सामने आया था और लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति रही है एकदम लीक से हटकर चलना, ठीक वैसा ही देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बीजेपी हमेशा कोई ना कोई आश्चर्यचकित फैसला लाती है, क्योंकि कयास लगाई जा रहा था, क्योंकि यदि रमन सिंह का नाम फाइनल था, क्योंकि 15 साल लगातार भी मुख्यमंत्री का चेहरा रहे और उनके नेतृत्व में प्रदेश में कार्य भी किए गए, लेकिन एक समय लग रहा था तो कहीं ना कहीं अनुमान ये था कि कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में, और आज जब मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा सामने उभर कर आया ही है विष्णुदेव साय जी का, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं और जिस तरह से आदिवासी समुदाय में मांग उठ रहे, तो लगातार उनके आदिवासियों को जिस तरह से मांग उठ रहे थे उनको कहीं ना कहीं एक निशाना भी यहाँ पर साधा गया है, और प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि प्रदेश लगातार क्योंकि आदिवासी बहुल ये राज्य है और आदिवासी वर्ग हमेशा से वंचित भी रहे हैं, बात चाहे बस्तर की कर ले या सरगुजा संभाग की कर ले, तो लगातार अब उनको देखने वाली बात यही होगी कि आदिवासी मुख्यमंत्री इस तरह से विकास के पैर समाज में भी बढ़ता है और प्रत्येक वर्ग को इस तरह से लेके चलते हैं, लेकिन बात ये आगे इसलिए भी चल रहा था क्योंकि रमन सिंह जो है लंबे समय से एक अनुभवी नेता है और उनके नेतृत्व में 15 सालों तक प्रदेश में विकास कार्य किए गए, तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े जो लीडर हैं भाजपा के उनके नाम भी आगे चल रहे थे, अरुण साव जी का नाम भी आगे चल रहा था और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह है उनका नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन अब विष्णुदेव साय जो कि लंबे समय से वे प्रदेश की जिम्मेदारी संभाले और प्रदेश के राजनीति में सक्रिय भी रहे और उन्होंने भी काफी मेहनत जो है बीजेपी के लिए किया था प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और लगातार वे क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं, और तो इसी का नतीजा है कि विष्णुदेव साय एक आदिवासी वर्ग से है और आदिवासी वर्ग को साधते हुए यहाँ पर प्रदेश में जो है एकदम आदिवासी वर्ग के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी जिस तरह से संभाले हैं उनको विष्णुदेव साय जी को एक जिम्मा दिया गया है। अब प्रदेश में हर्ष की माहौल तो ही है क्योंकि साय जो है आदिवर्ग से भी आते हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखा जाए काजल तो आदि जो वर्ग वाइज है उसको भी ध्यान रखते हुए निर्णय यहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य है और
दोनों का लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आपको रोहन को तस्वीरें दिखाते हैं। जल्दी देखिए पूरे विषय पर, इसके लिए आज से ही काम की शुरुआत हम करेंगे। डिप्टी सिंह मैं दादा पीडीआई चौधरी छोटा पीडीआई सर के नाम का सीएम के नाम का ऐलान हो गया है, कैसे देखते हैं इस बात? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, हम सब ने सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है। विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए अनुभव से भरे हैं और इसलिए निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आज विष्णुदेव साय जी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अभी हम राजभवन जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। ये समय पर आपको पता चलेगा। अरुण भैया जिंदाबाद। ये विष्णुदेव साय का घर आप देख रहे हैं तस्वीरें। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। कई बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन को समझते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उनका आना कहीं ना कहीं उनके नाम की घोषणा डॉक्टर अमन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा और उसको जो है सहमति पूरे सदन ने दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब जो है छत्तीसगढ़ अपनी सही दिशा में चलेगा। नहीं ऐसी अभी कोई बात नहीं है, समय समय पर जानकारी दे दी जाएगी। सरकार का स्वरूप निश्चित रूप से एक बढ़िया स्वरूप है। अब छत्तीसगढ़ को अटल जी के सपनों को सजाने और सवारने का वक्त आ गया है। बहुत अच्छा है, हमारे एक अनुभवी नेता, वनांचल के आदिवासी नेता जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, कार्यकर्ताओं के साथ में उनका अपनापन आत्मीयता और ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ की कमान दी, हम उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि एक अच्छे वनांचल क्षेत्र के नेता को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, हम उसका सबका स्वागत अभिनंदन। बहुत अच्छा है, सौभाग्य की बात है और इसलिए समाज नहीं जाति वर्ग से ऊपर उठ करके संपूर्ण समाज की सेवा का संकल्प भाजपा, इसलिए मोदी जी ने एक बात कही है, सबके साथ सबका विकास। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो विष्णुदेव साय होंगे नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, इसका ऐलान हो चुका है और अब इसको लेकर बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल भी लगातार देखने को मिल रहा है। और देखिए हम आपको लाइव तस्वीरें भी इस समय दिखा रहे हैं किस तरीके से विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ और विष्णुदेव साय के नाम का ये फैसला, विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग गई है। अब विष्णुदेव साय होंगे नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। विधायक दल की बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया विष्णुदेव साय को लेकर, यानी अब नए नाम का ऐलान। इसलिए माथुर जी आपने कहा था अपने फैसले से चौंकाएंगे, आखिरकार आपने चौंका दिया, तो आप मुझे धन्यवाद दो। आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? मैं जो कहता हूं वो करता हूं और देखिए इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति
और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया है। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप चले जाएंगे तब तो मुलाकात होगी, पता नहीं डीसीएम कौन बनेगा। थोड़ी बात आप ही चिंता करते रहिए, हमारे यहाँ डीसीएम इनका, अब ये मुख्यमंत्री की बात चली गई, बोल वो बनाए नहीं बनाए वो उनकी मर्जी, मैं कहा हूँ इसमें, अब मुख्यमंत्री का निर्णय, अब ये मुख्यमंत्री तय करेगा सारी चीज, आप ही सब चीज डिसाइड करते हैं, इसलिए हम पूछ। लेकिन इतना जल्दी पेपर आउट नहीं करूंगा, थोड़ा आप भी इंतजार करिए, आप पढ़ो पेपर। सर एक सवाल और, जिस तरीके से कुछ महीने बाद झारखंड में चुनाव है, उनपुरी जशपुर ये जो बेल्ट है वही बेल्ट है, तो क्या माना जाए वहाँ भी साधने का प्रयास है इस तरीके? नहीं नहीं, देखिए कुल मिला करके मेरे मन में एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसको प्रशासनिक और लेजिस्लेटिव दोनों अनुभव हो, और मेरा सौभाग्य है कि हमारे चुने हुए सारे जनप्रतिनिधियों ने एक ऐसे नाम को हमारे बीच में रखा जो सर्वसम्मति से पास हुआ, इसलिए साधने का तो पूरे झारखंड छत्तीसगढ़ को क्या साधेंगे, जितना इनका उपयोग होगा उनका उपयोग मैं हर जगह लूंगा, झारखंड ही क्यों लूंगा, अगर जरूरत पड़ी उड़ीसा भी ले जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो राजस्थान ले जाऊंगा, तो ये तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अभी चुनाव से हमारा पहला काम है कि इस प्रदेश को सुशासन में बदले, इस प्रदेश की डॉन स्थिति ठीक करे, इस प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त करे, इस प्रदेश से हर गरीब का कल्याण हो इसकी चिंता करे, इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो इसकी चिंता करे, इसलिए पहली प्राथमिकता होगा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम सुशासन लाए। हो सकता है राजस्थान, क्योंकि मेरे जुम्मे नहीं, इसलिए मैं बहुत ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन याद तो मैंने जो बोला वो किया, चल रहा है वहाँ पर, मैं जा रहा हूँ, देखिए अब आपको बुला लूंगा अगर मेरा नाम हो। अनिल नेताम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल देखिए, जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि विष्णुदेव साय एक ऐसा नाम जो कि राजनीति में पहले से रहे हैं, उनका एक विनम्र स्वभाव रहा है, सरल स्वभाव रहा है, उनको सब जानते हैं, उनके नाम का जब ऐलान हुआ तो उस नाम का कोई विरोध नहीं कर पाया। बिल्कुल 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 अजल, देखिए और विष्णुदेव साय है, सरल स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं, और कभी भी जब उनसे मुलाकात की तो सज्जन मुलाकात जब भी उनसे करे तो वो सरलता से पेश आते हैं और नम्र स्वभाव के हैं, और लगातार उनका जो कार्यकर्ताओं में भी अच्छी पैठ है और कार्यकर्ता से लेकर संगठन तक उनकी अच्छी पकड़ है, और लगातार जिस तरह से उन्होंने पिछले जब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जब कार्य कर रहे थे तो लगातार हर किसी से, चाहे वे आम कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े संगठन के तमाम पदाधिकारियों के से सरलता से पेश आते थे, और वे नम्र स्वभाव की है, लगातार जब भी उनसे यदि किसी मुद्दे पे भी बात किया जाए तो सरलता से वे किसी जवाब भी देते हैं, और जैसा कि प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और यहाँ पर एक आदिवासी को नेता को जो है मुख्यमंत्री बनाना एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार आदिवासी समाज का मांग भी करते आ रही थी कि प्रदेश में जो है आदिवासी सीएम हो, और भाजपा ने वो जो जिस तरह से मांग जो उठ रहे थे उस पर अभी कह सकते हैं कि एक विराम लगाते हुए आज आदिवासी नेता को जो है प्रदेश का कमान सौंपा गया है, और जिस तरह से अभी वो माधो जी भी कह रहे थे कि जहां पर भी उनकी यदि आवश्यकता हो तो वहां पर भी उनको पेश करेंगे, तो जिस तरह से आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी बहुल जो राज्य है, वहां पर भी एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी जो नेता है उनको जो है यहाँ पर प्रदेश की कमान सौंपा गया है और प्रदेश के मुखिया के रूप में जो है उनको चुना गया है, और प्रदेश में इस तरह से अब देखने वाली बात यही रहेगी 5 वर्षों तक लगातार किस तरह से काम किए जाते हैं और किस तरह से जो प्रदेश की कमान को जिस तरह से मुख्यमंत्री का पद जो संभाल जो जिम्मेदारी दिया गया है विष्णुदेव साय जी को वो किस तरह से निभाते हैं आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में एक आदिवासी नेता को मिलना एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी काजल, जो जिम्मेदारी की बात अनिल आप कर रहे हैं, क्योंकि विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय राजनीति का उनके पास अनुभव है और केंद्रीय राज्य मंत्री वो रह चुके हैं, उसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो कि वो संभाल चुके हैं, और इन सबको देखते हुए ही ऐलान किया गया है और यही वजह रही कि कोई विरोध नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, साफ तौर पे ये वजह भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार जो है भाजपा के लिए काम किया है, लगातार सक्रिय रूप से काम किया, जब भी उनको जो भी जिम्मेदारी देती थी उन्हें निष्ठा पूर्वक वो पूरा करते थे, और कभी भी विरोधाभास में भी विष्णुदेव साय जी का नाम कभी सामने नहीं आया, जैसे कि कभी अपवादों में भी वो नहीं फंसे, जिस पर जो है उस पे कोई अलग छवि भी यहाँ पर नहीं है, सरल स्वभाव का और साफ छवि वाले
विष्णुदेव शाह जी हैं जो जिस पर जो है मुहर लगाई गई है, क्योंकि अनेक नेताओं को कभी जो है किसी बातों को लेकर फंसे रहते, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है, सरल स्वभाव और शांत स्वभाव विष्णुदेव शाह जी है जिन पर जो है नाम लगा, और किसी भी कार्यकर्ता या फिर किसी जो भी विधायक है उन्होंने किसी ने भी विरोध नहीं जताया, और सभी जो विधायक हैं वो उन्होंने स्वीकार किया और अपना नेता जो है विष्णुदेव शाह जी को यहाँ पर चुने हैं। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आखिरकार वो ऐलान हो ही गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है।